उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ के मोहल्ला शिवाजी कॉलोनी में रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी व समधन की गोली मारकर हत्या कर दी। पुत्रवधू गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल पुत्रवधू को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवाजी कॉलोनी में पूर्व सैनिक शिवशंकर का पुत्रवधू से विवाद चल रहा था। वहीं आज पुत्रवधु काजल पत्नी माधव अपनी मां सबिता के साथ अपने ससुराल पहुंची, जहां पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए पूर्व सैनिक शिवशंकर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे पत्नी सत्यवती व समधन सविता देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लोहे की वजनदार वस्तु से किए गए प्रहार से बहू काजल पत्नी माधव गंभीर रूप से घायल हो गई। उसको आनन फानन में परिजनों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घायल महिला काजल की गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजन घायल महिला काजल पत्नी माधव को लेकर फतेहगढ़ स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए लेकर चले गए। मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने बताया कि पूर्व सैनिक शिवशंकर की फायरिंग में इनकी पत्नी सत्यवती व समधन सविता देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी के द्वारा दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला क्या है, क्या पूरी घटना रही है? ये शिवशंकर हैं जो यहाँ शिवाजी कॉलोनी के रहने वाले हैं। ऐसा बताया गया कि ये फौज से रिटायर हैं, रहते थे। इनके यहाँ आज इनके समधी समधन समधन के परिवार यानी इनकी बहू के मायके वाले कुछ लोग आए थे। उनसे बातचीत के क्रम में विवाद बढ़ गया और जिस पर ये उत्तेजित होके अपनी जो इनका लाइसेंसी बंदूक है उसको इन्होंने निकाला, इन्होंने फायरिंग किया है। उस फायरिंग में इनकी पत्नी सत्यवती, इनकी समधन सविता देवी, ये दो यहीं ऑन द स्पॉट इनकी मृत्यु हो गई है। और इनकी बहू काजल है वो हॉस्पिटलाइज है, उसको अभी इलाज किया जा रहा है। और इस मामले में जो अभियुक्त हैं वो घर के अंदर ही हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनको अभी थाने भिजवाया जा रहा है और इस मामले में क्या क्यों घटना हुई इसका पता नहीं। सर, जानकारी में आ रहा है कि इनकी ससुर और बहू के बीच में कुछ विवाद चल रहा था दहेज को लेके, क्या ऐसा भी कोई प्रकरण अभी सामने आया है? देखिए, अभी तत्काल की घटना है, घटना के जो सारे तथ्य हैं उसके बारे में हम अभी पता लगाएंगे, क्योंकि मौके पर अभी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम उससे बात कर सकें। दो लोग आए थे, और लोग ये अकेले आरोपी हैं कि कोई और भी इसमें शामिल हो? ये दो लोग आए थे, और लोग भी आए थे। अभी ये क्लियर पता नहीं है कि इनके बहू के मायके से कितने लोग आए थे, लेकिन इतना पता चला है कि इनकी समधन और बेटी तो पहले से यहाँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।